प्यारे बच्चों, हम सभी जानते हैं कि सभी जीवों को वायु की आवश्यकता होती है। ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर एयर। हैव यू एवर सीन एयर? क्या कभी आपने वायु को देखा है? यू माइट नॉट हैव सीन एयर, बट श्योरली फेल्ट इट्स प्रेजेंस इन सो मैनी वेज। आपने वायु को तो कभी नहीं देखा होगा, फिर भी इसकी उपस्थिति को कई तरीकों से महसूस किया होगा। जब पेड़ों के पत्ते हिलते हैं या खड़खड़ाते हैं तो लगता है कि वायु चल रही है, या कपड़े सुखाने वाले तार पर लटके कपड़े धीरे धीरे हिलते हैं तो महसूस होता है कि हवा चल रही है। वायु के बहने के कारण ही हमारी पतंग का उड़ना संभव होता है। प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे हमारे चारों ओर वायु, एयर अराउंड अस। फिरकी बनाने के लिए हमें एक स्केल, एक कागज़, एक पेपर पिन और एक लकड़ी की आवश्यकता है। सबसे पहले पेपर को वर्गाकार बना लें, यानी स्क्वेयर कर लें, जिसकी चारों साइड्स बराबर हों। अब पेपर को इस तरह से फोल्ड करें कि इसके बीच में क्रॉस का निशान यानी गुणा का निशान बन जाए। गुणा के निशान को एक कोने से पकड़कर आधे से ज़्यादा तक फाड़ लें। इसी तरह दूसरे, तीसरे और चौथे कोने को भी आधे से ज़्यादा तक फाड़ लें। ध्यान रखें पूरा कोना ना फट जाए। अब पहले कोने को पकड़कर बीच तक ले आएं। इसी तरह एक कोने को छोड़कर अगले कोने को फिर से खींचकर बीच में ले आएं। इस तरह कुल मिलाकर चारों कोनों में से एक एक साइड को खींचकर बीच तक ले आएं और इसे एक पिन से बांधें। अब इस पिन को लकड़ी के साथ लगा दें। लो, तैयार हो गई हमारी फिरकी। आइए इसे घुमाकर देखते हैं। लो, चल पड़ी हमारी फिरकी। इस फिरकी को कौन घुमा रहा है? अरे हाँ, इसे तो हवा घुमा रही है, यानी वायु घुमा रही है। एयर इस फिरकी को घुमा रही है। इसी प्रकार हमारे पास ये वात सूचक है, यानी एनीमोमीटर है। यह हवा की दिशा में चलता है और हवा के रुकने पर रुक जाता है।